Good afternoon to all. I am really thankful to you all to give me this opportunity to present myself in front of you all. Yes, Sandeep. Next. These are the following contents of my topic: talent identification, how to identify talent, induction, how to induct the talented athlete, and how to retain the talented athlete, and how to weed out. Yes, next. Yes, thank you, Sandeep. Yes, as you know, my today topic is talent. So what is talent? Talent is a natural skill of a human being, and it is also hidden ability of a person. Everyone have natural talent, which can be considered in any activity. It may be sports activity, it may be art and craft activity, it may be education field, etc. There are a few examples of the natural talented players you can see on video. Usain Bolt in athletics, Cristiano Ronaldo in football, and Sachin Tendulkar in cricket, and Pradeep Narwal in kabaddi, and Mary Kom in boxing. You know, these are all talented players of their respective sports. Yes, next. Talent identification. There are some prerequisites to identify a hidden ability of an athlete. These are the some hidden prerequisites to talented person to identify them and develop them to make him best in the comparison of the normal person, like strength, endurance, speed, agility, coordinative ability, and quick reaction ability. ये वो abilities हैं जो एक talented player के अंदर होती हैं और उसको एक टॉप लेवल तक पहुंचाने में इनका बहुत अहम रोल होता है. नेक्स्ट. दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ ए टैलेंटेड प्लेयर. हाउ टू आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स? नंबर वन, फिजिकल एबिलिटीज. नंबर दो, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज. नंबर तीन, फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज, टेक्निकल एबिलिटीज, एंड इज गेम सेंस. In physical abilities, we can identify with the physical ability of the through a test battery. जैसे physical abilities को identify करना इतना important है, उसी प्रकार से जो physiological abilities हैं खिलाड़ी की, जैसे कि उनके body को fat percentage को मापना, उनके VO2 max को मापना, उनकी threshold capacity को मापना, उसकी lactic acid formation क्या होती है muscles के अंदर during training, उसको मापना, और उसके ब्लड ब्लड के अंदर जैसे होमोग्लोबिन होता है और दूसरे मिनरल्स होते हैं, उनको भी मापने के लिए हम फिजियोलॉजिकल टेस्टों की सहायता लेते हैं, जो कि हम ऑलमोस्ट लैब के अंदर कंडक्ट करते हैं. उसके बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे फिजिकल टेस्ट और फिजियोलॉजिकल टेस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से किसी भी खिलाड़ी के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उतना ही अहम रोल अदा करते हैं. इसके द्वारा हम खिलाड़ी के उसका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसका अराइजर लेवल क्या है, हम पता लगा सकते हैं. टेक्निकल एबिलिटी, आपके पास में फिजिकल एबिलिटी, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज आपने सभी आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर आपने उसकी जो गेम टेक्निकल एबिलिटीज है, उनकी स्किल एबिलिटी है, उसका फुटवर्क एबिलिटी है, मूवमेंट एबिलिटी है, जो कि उसको गेम खेलने के अंदर उसकी उसके पोटेंशियल को ट्रेन करने के लिए जो हेल्प करती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है. इसके साथ साथ में आपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, टेक्निकल सभी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर उस खिलाड़ी को उसकी गेम सेंस नहीं है, उस गेम के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसकी प्लेइंग पोजीशन की स्किल्स क्या है, अगर वो आपको मालूम नहीं है, तो ऊपर का जो उसमें फिजिकल एबिलिटीज है, कितनी भी अच्छी हो,
फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज कितनी भी अच्छी हो, उसके पास कितना भी टेक्निकल टेक्टिकल नॉलेज हो, वो अगर उसको गेम के रूल मालूम नहीं है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये वो टेस्ट बैटरी है, ये वो टेस्ट है जिसके द्वारा हम एक खिलाड़ी की जो फिजिकल मोटर एबिलिटीज हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटीज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, इन सभी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए ये हमारी एक टेस्ट बैटरी है, जिसके द्वारा हम खिलाड़ी की जो हिडन एबिलिटीज है उनको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट संदीप, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, 6 into 10 meters, संदीप आप आगे जा रहे, यस राइट राइट, यस 6 into 10 meters शटर रन टेस्ट। एम ऑफ दिस टेस्ट टू डिटरमाइन द एजिलिटी ऑफ एथलीट, इस टेस्ट के द्वारा हम खिलाड़ी की जो एक एजिलिटी की जो एबिलिटी है उसके अंदर, उसको हम आसानी से माप सकते हैं, पता लगा सकते हैं किस खिलाड़ी के अंदर कितनी ये एबिलिटी है और उसको हम कितना डेवलप करने के लिए हमारे को इसका जरूरत पड़ता है। इसको कंडक्ट करने का जो प्रोसीजर है, एथलीट विल स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑन कमांड एथलीट रन फास्टर एंड टच द एंड लाइन विद द हैंड एंड टर्न बैक to the starting line by keeping running movement continue. He will do the same exercise up and down 3 times. 2 chances are permitted. Best one will be counted. In between 1 and 2 chances, there must be a recovery of 7 to 10 minutes. Next. Yes, this is the one more test. 20 meter standing start. As you see on video, the aim to measure the running speed. इसके द्वारा हम खिलाड़ी की जो एक रनिंग स्पीड है उसके अंदर ये एबिलिटी कितनी है उसको हम आसानी से माप सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है, एथलीट टेक ए स्टैंडिंग पोजीशन बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, ऑन इंडिविजुअल सिंगल ही हैज टू स्टार्ट रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल एंड फिनिश द फाइनल 20 मीटर्स डिस्टेंस। यहाँ पर भी हम खिलाड़ी को 2 चांस देते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन है उसको हम काउंट करते हैं, और इसके अंदर भी 5 to 6 और 5 to 7 या 7 to 10 minutes का रिकवरी देने के बाद ही हम उसको नेक्स्ट चांस दे सकते हैं। नेक्स्ट, यस, वन मोर टेस्ट, वर्टिकल स्टैंडिंग जंप। इस टेस्ट के द्वारा हम खिलाड़ी की जो लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी के अंदर क्या एक्सप्लोजिव पावर है, क्योंकि हमारी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके अंदर लोअर बॉडी का अहम रोल रहता है, तो उस लोअर बॉडी के अंदर कितनी एक्सप्लोजिव पावर है उसको मेजर करने के लिए हम वर्टिकल स्टैंडिंग जंप की सहायता लेते हैं। आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर 3 अलग अलग पिक्चर है। जो फर्स्ट पिक्चर है उसके अंदर खिलाड़ी की, एथलीट की जो स्टैंडिंग पोजिशन बताई गई है, और दूसरा जो पिक्चर है उसके अंदर खिलाड़ी की स्टैंडिंग हाइट मापने के लिए पिक्चर दर्शाई गई है। उसके बाद में खिलाड़ी को स्क्वैट पोजीशन के अंदर दोनों पैरों के ऊपर अपवर्ड जंप लेना है, और फिर चोक के द्वारा वॉल के ऊपर एक मार्क करना है। जो रीचिंग स्टैंडिंग रीचिंग हाइट है और जो जंपिंग हाइट है उसका जो डिस्टेंस है वो माप, उसका डिफरेंस माप लिया जाता है। और इसके अंदर भी हम एक बार से पता नहीं लगा सकते हैं, इसके अंदर भी हम खिलाड़ी को विद रिकवरी के द्वारा 3 best attempt देते हैं, उसमें से जो बेस्ट वन होता है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, यस, दिस इज द वन मोर टेस्ट, 5 consecutive hops फॉर द लेफ्ट एंड राइट लेग। इस टेस्ट के द्वारा, जैसे कि पिछले टेस्ट के अंदर हम लोअर बॉडी की एक्सप्लोजिव पावर को असेस कर रहे थे, माप रहे थे, पता लगा रहे थे, इसके अंदर हम सिंगल लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे
इस टेस्ट का हमारे गेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो फुटवर्क मूवमेंट है हमारे गेम का, वो अल्टरनेट कभी राइट लेग के ऊपर कभी लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर होता है। तो ये जो 5 कंसेक्यूटिव होप्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, सब्जेक्ट विल स्टैंड ऑन द 1 leg, कीपिंग अनदर लेग इन हैंगिंग पोजिशन, सब्जेक्ट विल होप्स ऑन द सेम लेग एंड कीप 5 कंसेक्यूटिव होप्स एंड लैंड ऑन द पिट। उसके बाद में जो फर्स्ट होप है और लास्ट होप है उसका जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाएगा। उसी प्रकार से फिर जो दूसरा पैर है उसके साथ भी सेम एक्सरसाइज को रिपीट किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं एक अपना सजेशन कोट कर सकता हूँ, वैसे तो दिस इज यूनिवर्सल टेस्ट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा पर्सनल व्यूज है इस टेस्ट के बारे में, वो यूज ये है कि हमारा जो कबड्डी का जो गेम है वो लिमिटेड एरिया गेम है, और उसके अंदर जो भी हमारे रेडर्स के और डिफेंडर्स के जो मूवमेंट हैं वो भी लिमिटेड मूवमेंट्स हैं। तो हम 5 की बजाय अगर इसमें 3 होप्स कंडक्ट करते हैं, आई थिंक इट इज मोर इफेक्टिव देन द 5 होप्स। यस, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट। दिस एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गेम ऑफ कबड्डी। मे बी डिफेंडर, मे बी ऑफेंडर, आपको कोई भी कैच किसी भी रेडर को अगर होल्ड करना है तो भी आपको फॉरवर्ड रीच करना है। अगर रेडर ने भी अगर कोई टेक्निक एग्जीक्यूट करना है, चाहे टो टच करना है, हैंड टच करना है, तो भी उसको एक रीच की जरूरत पड़ती है। तो उसकी जो फॉरवर्ड रीच है उसको मापने के लिए आई थिंक दिस इज द यूनिवर्सल एंड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट। यू कैन सी इन पिक्चर सीट ऑन द फ्लोर विद एक्सटेंडेड लेग्स एंड रीच फॉरवर्ड, मेजर हाउ टू फिंगर्स, इफ यूर फिंगर क्रॉस यूर टोज इट मीन्स यूर फ्लेक्सीबिलिटी एंड फॉरवर्ड इज इन प्लस, इफ नॉट क्रॉस द टोज इट मीन्स यूर फ्लेक्सीबिलिटी यूर फॉरवर्ड इट इज माइनस। One more thing I suggest you, you can develop this reaching ability 10 to 12 or 10 to 13 or 10 to 14 का जो एक एज ग्रुप है, इस एज पीरियड के अंदर आप इस एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं लेकिन वेरी वेरी डिफिकल्ट है इसको फिर उसके बाद में ट्रेन करना। यस, नेक्स्ट पुशअप्स। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर ए कबड्डी प्लेयर, क्योंकि हमारा जो कबड्डी का जो गेम है वो स्ट्रेंथ एंड पावर का गेम है। तो अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मापने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को मापने के लिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूनिवर्सल टेस्ट। इसका जो प्रोसीजर है आप खिलाड़ी को फोटो के अंदर देख सकते हैं। एथलीट विल टेक पोजिशन ऑन द ग्राउंड एट मेंशन्ड इन द स्लाइड and start to push up on signal. The main point to be noticed during the exercise, इस test के अंदर जो main point जो notable है वो ये है कि जब खिलाड़ी exercise start करता है उस time पर उसका जो elbow joint वो fully extend होना चाहिए, और जो वापिस आता है तो उस time पर elbow joint 90 degree के ऊपर आपका flex होना चाहिए। और one more thing keep in mind, your body should be straight in a line. Yes. और इसका जो duration है वो 60 second होता है। इसके अंदर subject और object दो होते हैं। Object उसके जो एक minute का जो time होता है वहां तक वो continue count करता रहता है। और इसके अंदर एक मेरा suggestion और एक change है। Men's के अंदर आप figure में देख रहे हैं ये position होती है push-ups लेने का, लेकिन female section के अंदर ये टेस्ट इस प्रोसीजर से कंडक्ट करना वेरी डिफिकल्ट है। तो उसके अंदर हम फीमेल की बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं, जो आपको पिक्चर के अंदर इसमें देख रहे हैं कि नी स्ट्रेट है, वहां पर हम फीमेल को बोलते हैं कि आपने नी ग्राउंड पर टच करना, और उसको हम नीली पोजीशन बोलते हैं। तो फीमेल का टेस्ट हम नीली पोजीशन के अंदर कंडक्ट करते हैं। ड्यूरेशन दोनों के लिए सेम 60 seconds। यस, नेक्स्ट सिटअप्स। यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोर इफेक्टिव टेस्ट
for a athlete, for a kabaddi player, for any player, not only kabaddi, in any sports, जो भी athlete कोई भी sports करता है उसके लिए इसका aim है to determine the explosive abdominal strength. My dear friends, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और हमारा ये personal experience भी है, जब हम खेलते थे उस time पर भी और अभी भी हम देख रहे हैं, हम पूरी body की training करवाते हैं, lower body की कराते हैं, upper body की करवाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है, कोर बॉडी पार्ट है, हम उसकी ट्रेनिंग में ज्यादा नहीं करवाते हैं. तो इससे हमारी जो कोर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, हमारी कोर बॉडी अदर मोटर एबिलिटीज की बजाय वीक पड़ जाती है. तो उसके लिए ये जो सिटअप्स है, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है. आप इससे अपने खिलाड़ी की जो कोर बॉडी की एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है उसको माप सकते हैं. इसका प्रोसीजर, सब्जेक्ट विल ले डाउन ऑन द फ्लोर इन ए स्पाइन पोजीशन बाय कीपिंग, आप पिक्चर में देख सकते हैं, बाय कीपिंग हैंड बिहाइंड द नेक एंड ऑन सिग्नल ऑफ गो ही और सी विल लिफ्ट द लेग. आप पिक्चर में देख सकते हैं अभी लेग ग्राउंड के ऊपर है, जब आपको सिग्नल मिलेगा तो आपको लिफ्ट द लेग एंड सेम टाइम अपर बॉडी भी आपको ऊपर उठाना है और अपर बॉडी से दोनों हाथों से आपको फिट को टच करना है. दिस इज कॉल्ड सिटअप्स इन ए वी पोजीशन. इसके अंदर भी जो ड्यूरेशन है वो 60 सेकंड है. यस, नेक्स्ट. यस, फिजिकल एबिलिटीज के अंदर दिस इज लास्ट टेस्ट. वैसे तो आप जो टेस्ट एंड मेजरमेंट की जो बुक है आप उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके अंदर आपको काफी टेस्ट बैटरीज मिलेंगी, आप खिलाड़ी की मोटर एबिलिटीज को एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज लास्ट कूपर टेस्ट. इसके अंदर 9/12 मिनट्स होते हैं. 9 मिनट्स हम जूनियर्स के लिए लेते हैं और 12 मिनट्स सीनियर एज ग्रुप के लिए लेते हैं. एंडोरेंस को मापने के लिए काफी टेस्ट हैं, 2.4 है, बीप टेस्ट है, सो मेनी टेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको इस कूपर टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसका एम इंडोरेंस कैपेसिटी ऑफ एथलीट और एथलीट स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन ऑन द ट्रैक. वंस ही विल गेट द सिग्नल फ्रॉम द स्टार्टर, ही विल स्टार्ट रनिंग और वॉकिंग अराउंड द ट्रैक फॉर 12 मिनट्स एंड वंस टाइम इज ओवर ही विल स्टॉप इमीडिएटली and the total distance covered will be the recorded. इसके अंदर dear friends, जो lap गिनने के लिए हर खिलाड़ी के लिए एक-एक object रखा जाता है, वो उसके lap गिनता है और lap गिनने के बाद में जब 12 मिनट का टाइम हो जाता है, खिलाड़ी on whistle वहीं रुक जाता है और फिर जितना भी distance वो cover करता है वो recorded कर लिया जाता है. Yes, next. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट, ऑफेंसिव टेस्ट बैटरी और डिफेंसिव टेस्ट बैटरी. फ्रेंड्स, ऑफेंसिव टेस्ट बैटरी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ. इसके अंदर ये वो टेस्ट हमने रखे हैं जिनके द्वारा हम एक रेडर की रीडिंग एबिलिटी, उसकी रीडिंग एबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. और जो डिफेंसिव टेस्ट बैटरी है उसके द्वारा हम एक डिफेंडर, क्योंकि आपको मालूम है कि कबड्डी का गेम ऑफेंस एंड डिफेंस का है, इसके अंदर जो खिलाड़ी डिफेंडर होते हैं और कुछ खिलाड़ी ऑफेंस का काम करते हैं, तो इसलिए इनका हमने बैटरी टेस्ट अलग अलग सेट किया है. यस, नेक्स्ट. ऑफेंसिव टेस्ट बैटरी, ए रेडर विल गिव 5 or 10 रेड्स continue raid at least in the defense pattern. हमने raiders के लिए 5 से 10 और 10 से 15 तीन categories बनाई इसके raid के अंदर, 5 raid, 10 raid और 15 raids. और इसके अंदर पूरे के पूरे defense को हम तीन situation में divide किया है. Number 1 situation, when bonus is on 6 and player in defense. मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा system of play है 6 और 7 प्लेयर के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि बोनस लाइन का जो रूल है, तो बोनस लाइन का रूल होने की वजह से पूरे के पूरे डिफेंस को फील्डिंग ऑन द बोनस लाइन पर ही करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको एक कैटेगरी में रखा है.
उसके बाद में व्हेन बोनस इज ऑफ, जो ही हमारे 6 और 7 में से कोई भी खिलाड़ी कम हो जाते हैं और जब डिफेंस में 4-5 प्लेयर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिफेंस आगे से पीछे चला जाता है। तो एक ये सिस्टम ऑफ प्ले के हिसाब से 4 और 5 के अंदर भी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर हम रेडर की रीडिंग एबिलिटी एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 4 और 5 के अंदर कौन सी टेक्निक कौन सी स्किल यूज करता है जिसके द्वारा वो इजिली से पॉइंट स्कोर करता है। उसके बाद में फिर वन मोर सिचुएशन व्हेन सुपर टैकल इज ऑन इन 2 और 3 प्लेयर इन डिफेंस। आप 6 और 7 के अंदर सिचुएशन अलग होता है, 4 और 5 डिफेंडर्स में अलग होता है, लाइकवाइज 2 और 3 के अंदर भी डिफेंस सिचुएशन अलग अलग होती है। तो हम फिर ये एसेस करते हैं कि कौन सा रेडर 2 और 3 के अंदर ज्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि आपके सामने काफी एग्जाम्पल हैं, आप लीग के अंदर भी देखते हैं, नेशनल के अंदर भी देखते हैं कि हमारे कुछ रेडर 6 और 7 में बहुत इफेक्टिव रेड करते हैं, कुछ प्लेयर 4 और 5 में इफेक्टिव रेड करते हैं और कुछ प्लेयर 2 और 3 में इफेक्टिव रेड करते हैं। तो विद दिस 3 सिचुएशन 3 टाइप ऑफ टेस्ट आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका प्लेयर किस सिचुएशन के अंदर किस सिस्टम ऑफ प्ले के अंदर ज्यादा इफेक्टिव रेड करता है। इसका जो एक प्रोसीजर है मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जब 6 और 7 4 और 5 2 और 3 की जो सिचुएशन है, हर सिचुएशन के अंदर हर रेडर को 5-5 रेड कंटिन्यू 5-5 रेड दिया जाता है। 5 रेड के अंदर वो कितने पॉइंट स्कोर करता है वो रिकॉर्ड किया जाता है और कितने उसकी अनसक्सेसफुल रेड होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, लाइकली 4 और 5 लाइकली 2 और 3। डियर फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं इसके अंदर काफी सब्जेक्टिविटी है, हम उस सब्जेक्टिविटी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा स्टार्ट है और ये टेस्ट हमारे को हमारा जो खेलो इंडिया का जो पोर्टल है उसने हमारे को सजेस्ट किए हैं और इसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं और इन टेस्टों को यूनिवर्सल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए आप अपना कोई भी सजेशन हमारे को दे सकते हैं, भेज सकते हैं, मोस्ट वेलकम है इसमें। नेक्स्ट, सेम जैसे ऑफेंस के लिए हमने 3 सिचुएशन के अंदर अलग अलग बैटरी टेस्ट सेट किया, उसी तरीके से डिफेंस के अंदर भी आपको सभी को मालूम है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमारे डिफेंस के अंदर कॉर्नर जोन कवर जोन, कॉर्नर में खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं और कवर पर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं और कॉर्नर जोन के अंदर एज यू नो एंकल होल्ड की स्किल होती है, डाइव की स्किल होती है और कॉम्बिनेशन होल्ड के अंदर चैन होल्ड की स्किल होती है। उसी प्रकार से कवर के ऊपर थाई होल्ड की स्किल होती है, ब्लॉकिंग की स्किल होती है और अनदर लाइक कॉर्नर जोन चैन होल्ड इज ए कॉम्बिनेशन होल्ड। लेकिन आप दोनों कॉर्नर्स के अंदर और कवर्स के ऊपर मैंने दिखाया कि 4-4 टीम सपोर्ट इन एनी कैच, टीम सपोर्ट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत सी जो कैचे हैं वो सपोर्ट की वजह से सक्सेसफुल होती हैं और कुछ कैचेज ऐसी हैं कि अगर टाइमली सपोर्ट नहीं आता तो वो कैच आपका फेल हो जाता है। इसलिए हमने इस टेस्ट बैटरी के अंदर सपोर्ट को भी एक मेन फैक्टर काउंट किया है और एक मेन इम्पोर्टेंस दिया है इसको भी। इसके अंदर भी मैं आपको प्रोसीजर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, मैं जो हमारा शेयर एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ वो इसके अंदर ये है कि जैसे रेडर की सक्सेसफुल रेट काउंट की जाती है और अनसक्सेसफुल रेट काउंट की जाती है, उसी प्रकार से डिफेंडर की भी जो सक्सेसफुल कैच है वो रिकॉर्ड की जाती है, अनसक्सेसफुल रेट है वो रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसमें से जो प्लस और माइनस के द्वारा उनके जो एक्चुअल स्कोर है वो लास्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स हमने काफी एक्सपर्टों से इसके बारे में डिस्कस किया है, बहुत सब्जेक्टिविटी है क्योंकि हमारा कबड्डी का टीम गेम है। यहाँ पर मैंने मेरा एक और सजेशन शेयर किया और कुछ जो हाई परफॉर्मेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कस किया, मेरे को सजेस्ट किया कि एक बैटरी टेस्ट को बनाने के लिए काफी हाइपोथीसिस होती हैं, उसमें से मैं एक और आपको शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मेरे जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ए सक्सेसफुल रेट, वैल्यू ऑफ ए सक्सेसफुल कैच,
value of unsuccessful catch, value of unsuccessful raid. Likewise, value of empty raid, value of support. Value of successful raid or successful catch, 3 point. Value of minus raid or unsuccessful raid or unsuccessful catch, -2 point. Likewise, support, 1 point. Now come empty raid. Another, here is a subjectivity. क्योंकि हमारे गेम की काफी सिचुएशन ऐसी है, एम्प्टी रेड आने से भी हम गेम जीतते हैं. तो ये अभी अंडर डिस्कशन है और इसके ऊपर आपके जो भी सुझाव हैं आप दे सकते हैं. अगेन यूर जो भी आपके सुझाव है मोस्ट वेलकम है टू मेक दिस बेटर यूनिवर्सल एंड इजी. यस नेक्स्ट. इंडक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंटेंट्स के टाइम पर मेरा जो मेन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है और उसके बाद में इंडक्शन है, उसके बाद में रिटेंशन एंड वीडिंग आउट है, उसमें से इंडक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है. क्योंकि आपने कोई भी जो अबो मेंशन मैंने आपको जो फार्मूलेज बताए, जो बैटरी टेस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, उसके द्वारा आपने खिलाड़ी को सेलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया. आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने उसको ट्रेनिंग देने के लिए अपनी एकेडमी के अंदर, अपने उसमें स्कूल्स के अंदर अगर आपकी एकेडमी है, अपनी कॉलेज में एकेडमी है, या फॉर एग्जांपल जैसे साई के अंदर एनसीई का स्कीम है, खेलो इंडिया का स्कीम है, उसमें इंडक्शन करने के लिए आप ये जो हमारा बैटरी टेस्ट है, ये सिलेक्शन है, ये क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई हाउ टू टैलेंट, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं और ये मोस्ट सक्सेसफुल है. तो एनसीओई के सिलेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको, इंडक्शन के बारे में थोड़ा मेरा शेयर करना चाहता हूँ. अभी जो प्रेजेंट में जो स्कीम चल रही है एनसीओई और खेलो इंडिया, इसके अंदर 3 टाइप ऑफ इंडक्शन है अभी. नंबर 1, लेवल 1 के अंदर टॉप स्कीम या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो ड्यूरिंग नेशनल कैंप, जो लड़के ड्यूरिंग नेशनल चैंपियनशिप सेलेक्ट किए जाते हैं उनको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट इंडक्शन होता है और ये लिस्ट हमारी हेडक्वार्टर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है. नंबर 2, खेलो इंडिया किड्स, ये भी डायरेक्ट इंडक्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर है. इसके अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स होते हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, उसके अंदर कमेटी मेंबर्स जाते हैं, वो ड्यूरिंग कंपटीशन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद में फिर उनका सिलेक्शन करते हैं. वो जो खिलाड़ी वहां पर टीएससी कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में टीआईडीसी कमेटी के द्वारा एक असेसमेंट कैंप लगाया जाता है और उस असेसमेंट कैंप के अंदर टीआईडीसी कमेटी मेंबर उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उनका लिस्ट डायरेक्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर. लेवल 3A, लेवल 3 के इंडक्शन के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे एथलीट हैं जो कि एनसीओई के नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते हैं और वो हमारे जो खेलो इंडिया एसटीसी की एक स्कीम है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया है, उसके नाम को फुलफिल करते हैं. हम जो रीजनल हेड है और कमेटी है वो उनको ट्रांसफर के लिए रिकमेंड कर सकती है और जब जिस एसटीसी के में भी जो भी ट्रायल्स होती हैं वो वहां जाकर के ट्रायल अटेंड करते हैं. वो डिपेंड करता है वहां की कमेटी के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर कि वो इंडक्शन में आ सकता है या सिलेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है. नाउ कम ऑन लेवल 3B. लेवल 3B के अंदर माल आपके पास में लेवल 1, 2 और 3A के इंडक्शन के बाद भी अगर आपके पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो अगेन आप हेडक्वार्टर की परमिशन के साथ में सिलेक्शन, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उस वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए आप ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं. उस ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए आपको उसकी वाइड पब्लिसिटी करना है, प्रेस रिलीज करना है, के बाद ही आप उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन में आ सकते हैं. यस,
इसके लिए उसके लिए संदीप वापिस करना एक बार यस yes. इस थ्री लेवल बी के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि खेलो इंडिया के अंदर या नेशनल चैंपियनशिप के अंदर उनको चांस नहीं मिलता है किसी कारण से। वो खिलाड़ी जब ये अगेंस्ट द वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है, जब हमारे सिलेक्शन ट्रायल लेते हैं, वो खिलाड़ी इन ट्रायलों को अटेंड करके अपना अगर उनमें टैलेंट है और वो अच्छे हैं तो हम उनको इस प्रोसीजर के द्वारा उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यस नेक्स्ट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन शीट, ये एक फॉर्मेट है जिसके द्वारा आप खिलाड़ी को आइडेंटिफाई जो खिलाड़ी है उसके सिलेक्शन के द्वारा आप कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने फिजिकल टेस्ट, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट, गेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टेस्ट और अचीवमेंट, हमने इसके अंदर अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। आपके जो पीछे मैंने बताया था कि फिजिकल जो टेस्ट थे आपके अंदर, जिसमें स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, जो पीछे हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे, उसका जो टोटल स्कोर है हमने 30 पॉइंट्स आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर करते हैं। उसके बाद में जो स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि हमने आपको ऑफेंस और डिफेंस का बताया, जिसके अंदर रेडर्स के लिए अलग टेस्ट है, डिफेंस के लिए अलग टेस्ट है, वैसे ही गेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसके अंदर एक जो खिलाड़ी है उसकी कॉम्बिनेशन स्किल्स, उसकी टेक्नो टैक्टिक्स, उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी और उसकी गेम प्लेइंग एबिलिटी, उसमें गेम खेलने की कितनी सेंस है वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद में जो नंबर फोर अचीवमेंट्स के अंदर भी हमने खिलाड़ी की जो अचीवमेंट्स को दो भागों में बांटा हुआ है, नंबर वन इंटरनेशनल लेवल, नंबर टू नेशनल लेवल और नंबर थ्री स्टेट लेवल। इंटरनेशनल लेवल के अंदर अगर गोल्ड मेडल है उसका अलग से मार्क्स हैं, सिल्वर के अलग से मार्क्स हैं और ब्रॉन्ज के अलग से मार्क्स हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन है उसके अलग से मार्क्स। लाइकवाइज हमने सारे के सारे मार्क्स जो डिवाइड किए हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस चार्ट में लिखा है, आप गो थ्रू जा सकते हैं। गोल्ड मेडल के 10 मार्क्स होते हैं इंटरनेशनल के ऊपर, सिल्वर के 9 होते हैं, ब्रॉन्ज के 8 होते हैं और पार्टिसिपेशन के 7 होते हैं। लाइकवाइज आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, आप किसी भी लेवल के सिलेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी एकेडमी का सिलेक्शन है, चाहे आपका स्कूल स्टेट का सिलेक्शन है या आपकी कंपनी का सिलेक्शन है, और ये काफी यूनिवर्सल है और हम इसके अंदर काफी सक्सेस हुए हैं। और इसी टेस्ट के द्वारा हमने एनवाईपी के अंदर भी हमने ट्रायल कंडक्ट किए हैं और इसी प्रोसीजर के अंदर हम गए हैं, तो काफी इफेक्टिव है ये और काफी अच्छे रिजल्ट हमारे को उसमें मिले हैं और काफी टैलेंटेड प्लेयरों को हमने आइडेंटिफाई करने में हम सक्सेस हुए हैं। उसके बाद में रिटेंशन क्राइटेरिया, रिटेंशन क्राइटेरिया, इंडक्शन के बाद में, सिलेक्शन के बाद में जब हम किसी खिलाड़ी को रिटेन करने की जब बात आती है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई उसके जब हमने उसको एडमिशन किया, इंडेक्ट किया, उस टाइम पर उसकी जनरल परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ इंडक्शन क्या थी, उसकी गेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या थी और अभी करंट परफॉर्मेंस उसकी क्या है, बैटरी जनरल बैटरी टेस्ट के अंदर और गेम स्पेसिफिक के अंदर। यानी हमने जब खिलाड़ी को इंडक्ट किया उस टाइम पर हम उसकी मोटरेबिलिटी की भी, गेम स्पेसिफिक भी, और अब जब हम उसको असेसमेंट कर रहे हैं आफ्टर वन ईयर और टू ईयर असेस कर रहे हैं, उस टाइम पर हमने उसकी
प्रेजेंट ईयर के साथ में जो उसकी पहले की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, ताकि हमारे को पता लग सके कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा तो उसका रीजन क्या है, तो विद द जस्टिफिकेशन अब उसको हम रिटेन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए हमारी एक कमेटी का प्रोसेस है, वो कमेटी इसके अंदर काम करती है. नेक्स्ट वीडिंग आउट, इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई भी खिलाड़ी इंडक्शन के बाद में, रिटेंशन के बाद में, आइडेंटिफाई करने के बाद में अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली उसको विद आउट किया जाएगा. और वो डिपेंड करता है कि वो उसका कितना इनडिसिप्लिन है, उसमें टारगेट भी एक रीजन हो सकता है, या इंडक्शन के टाइम पर उसमें पोटेंशियल था लेकिन उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, वो भी रीजन हो सकता है, उसका इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग भी हो सकता है, और इंजरी फैक्टर भी हो सकता है. इंजरी फैक्टर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ प्लेयर ट्रेनिंग के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं, कंपटीशन में इंजर्ड हो जाते हैं, और उनका रिहैब के बाद भी वो वापिस कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं. तो उसके हिसाब से मेरा एक आइडिया है कि आप एक मेडिकल बोर्ड के सामने उसको प्रोसीड करें और वो बोर्ड उसका रिपोर्ट दे सकता है कि भाई ये अभी कम बैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, या इस एक्टिविटी के खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है. नेक्स्ट अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ से निकला धागा जो लगा के भाग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बचपन का खेल है, बच्चों का नहीं. यस, एनी क्यूरीज? यस सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम सरल सिंह प्रोफेसर फ्रॉम चंडीगढ़. What is the right age to begin the process of talent identification in children, and how long this process takes to put the sports person to select their specific game? Yes, sir. Yes, very good question, yes. Sandeep ji. Yes, sir. Sir, already मैंने आपको बताया था कि जो flexibility का जो test लिया था, मैंने flexibility test में बताया था कि right age 10 टू 12, 12 टू 14, आप इस एज के अंदर आप उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं. आई थिंक 10 टू 12 और 12 टू 14 इज द राइट एज फॉर कबड्डी गेम. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन. यस, इन डिफेंसिव बैटरी टेस्ट हाउ मेनी डिफेंडर्स मे बी देयर इनसाइड द प्ले फील्ड? Four and six and seven, four and five, two and three. अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग डिफेंडर्स. सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम पूनम. वन ऑफ द कबड्डी प्लेयर इज परफॉर्मिंग गुड इन ट्रेनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट पार्ट इन द टीम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. देयर इज Sir, if there is a possibility, we can retain this training. Number one, संजीव जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. अगर ये तो most of the player ऐसे होते हैं कि जो कि training के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, और जब main competition होता है तो competition fear की वजह से वो अपने actual performance नहीं दे पाते हैं. मैं आपको एक और example देना चाहता हूँ कि जब team
कंपटीशन में खेलने के लिए जाती है तो कुछ प्लेयर जो पूल के जो मैचेस हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो जो ही टीम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल फाइनल के लिए जाती है तो कुछ ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग की जो परफॉर्मेंस है वो दे पाते हैं। ये कंपटीशन फेयर की वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन आता ही 100% है, और इसको हम थ्रू साइकोलॉजी थ्रू कंपटीशन इसको दूर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ओके सर, वन क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर साइकोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ अ कबड्डी प्लेयर? व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर साइकोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ अ कबड्डी प्लेयर? यस, मेरे हिसाब से डॉक्टर सुनील दवास पैनल के अंदर बैठे हैं, वो इस क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं, और वैसे भी उन्होंने अपनी क्लास के अंदर ये कवर किया था उन्होंने। तो आई रिक्वेस्ट टू मैडम प्लीज। देर आर सम फाउंडेशन टेस्ट वी कैन कंडक्ट, ए टेस्ट बैटरी इज देयर फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन arousal level, achievement level, appraisal level and self control. ये कुछ test batteries हैं जिनको हम conduct कर सकते हैं और उनके scoring हैं। test batteries psychology में बहुत ज्यादा test batteries हैं, और उनमें से जो team games की battery हैं वो कबड्डी पे लागू होती हैं, क्योंकि team games hockey, football की इनकी बहुत अच्छी test batteries हैं। तो psychological level है वो human behavior से related है, human behavior almost individual to individual vary करता है, और वो हमारा टीम गेम्स में है वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेशन बैटरीज आर देयर एंड दे कैन कंडक्ट फ्रॉम फाउंडेशन स्किल्स टू अप टू अचीवमेंट परफॉर्मेंस लेवल स्किल्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। वन मोर क्वेश्चन। यस, टू और थ्री क्वेश्चन आई एम मिक्सिंग। कैन यू एक्सप्लेन weeding out criteria of last two points jo weeding out the uska aap please explain dobara kijiye weeding out? Yes Sandeep, weeding out yes last two point Sanjeev ji indiscipline। Yes. इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि आपका जो एथलीट है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड डिसिप्लिन कितना डिसिप्लिन है। आप उसको वार्निंग भी दे सकते हैं, आप उसको अगर उसका इंडिसिप्लिन इतना बड़ा है कि आप उसको वार्निंग नहीं दे सकते हैं, इतना क्राइम किया उसने, तो आप उसको डायरेक्ट भी विद आउट कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन उसकी गलती के ऊपर डिपेंड करता है ये, और इंजरी फैक्टर्स ये भी डिपेंड करता है कि खिलाड़ी को वो कितना इंजर्ड है और रिकवर होने में कितना टाइम ले सकता है, और रिकवर होने के बाद भी वो उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता है। बेटर है कि आप उसमें आपकी जो मेडिकल टीम है उसे सपोर्ट लो, और वो क्लियरली बता सकते हैं कि भाई हाँ अब ये खिलाड़ी दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है या इतने दिन के अंदर ये वापिस खेल सकता है। आई थिंक मेडिकल सपोर्ट इज द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। संजीव जी नेशनल हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी पैनलिस्ट इफ दे वांट टू से समथिंग दे कैन आस्क। यस सर। यस, हेलो। यस मैडम। यस सर, एक तो वीडिंग आउट प्रोसेस में मैं थोड़ा सा ये नजर डालना चाहूंगी, जो साई सेंटर के डिफरेंट गेम्स के वीडिंग आउट प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम है, जो स्पेसिफिक गेम की एबिलिटीज है उसको छोड़ के जो फिजिकल फिटनेस और फिजियोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो पिछले दिनों जब मैं बता रही थी आप लोगों को कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इसमें शामिल हुई एज एन एक्सपर्ट, और मैंने पाया कि ज्यादातर उसमें जो स्पीड वर्क है और स्पीड टेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, और बैटरी टेस्ट में
गेम टू गेम जो बैटरी है वो वेरी करती है. तो इवन एथलेटिक्स के कोचेज ने भी हमें शिकायत की थी कि एथलेटिक्स के जो प्लेयर स्पीड वर्क से रिलेटेड है या शॉर्ट रेसेस से रिलेटेड है वो उस टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो शॉर्ट पुटर है या फील्ड के इवेंट वाले जो एथलीट्स हैं वो भी उसको टेस्ट को नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई. तो कई बार बहुत अच्छे खिलाड़ी साई के डिफरेंट सेंटर से वीड आउट हो गए. ये हमारे डिफरेंट सेंटर्स में जब मैं गई हूँ तो मुझे पता चला है कि वीड आउट प्रोसेस है वो कॉमन प्रोसेस सभी के ऊपर लागू किया हुआ है. और वो जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट डिफरेंट थिंग बट फिजिकल टेस्ट है वो सभी का जो स्कोरिंग है वो सेम है, सेम बैटरी टेस्ट है, वो इन हर गेम के ऊपर सेम लागू नहीं हो सकती क्योंकि हर एक गेम की बैटरी है वो डिफरेंट होती है और हर एक गेम की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है. इसलिए उस बैटरी टेस्ट में हमने तब भी सजेस्ट किया था और साई में इतने एक्सपर्ट्स हैं तो उस बैटरी टेस्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वीडिंग आउट प्रोसेस है वो कई बार, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कविता हमारी धर्मशाला साई सेंटर में बहुत अच्छी लड़की थी और जब हमने वहां पे टेस्ट किया तो वो वीड आउट हो गई थी. उसको रिटेन किया बाद में, हालांकि बहुत प्रेशर के माध्यम से उसको रिटेन किया गया, लेकिन उसको रिटेन प्रोसेस में डालने के बजाय उस लड़की के पास वीडिंग आउट प्रोसेस में उसको कैसे बाहर निकाल दिया गया ये हमारे लिए एक सरप्राइज था. ये वीड आउट प्रोसेस है, ये गेम टू गेम वेरी करना चाहिए, सेम प्रोसेस सभी के ऊपर है, बैटरी टेस्ट है, लागू नहीं करना चाहिए, एक चीज. और दूसरी मैं ये बताना चाह रही थी, अभी जैसे जयवीर सर ने बताया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, हमारा कबड्डी के लिए हम एक टेस्ट बैटरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे जो जनरलाइज होता है वो सही बात है कि हम जब तक उसको कम से कम 2-3 हजार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स के ऊपर लागू ना कर दें तब तक रिजल्ट नहीं आएगा. लेकिन हमें इसमें सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने 5-6 पे और डिफेंसिव टेक्निक्स पे ऑलरेडी बहुत सारे एथलीट्स के ऊपर टेस्ट किए हुए हैं और खेलो इंडिया के पोर्टल पे उन लोगों ने हमें सजेस्ट नहीं किया, हमने उनको सजेस्ट किया कि ये हमारे टेस्ट आगे हो सकते हैं. लेकिन सब्जेक्टिविटी है इसलिए आप सब लोगों से मैं भी अनुरोध करती हूँ, जैसे जयवीर सर ने किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, कि आप सब लोग जैसे ही प्रो कबड्डी आया है उसमें कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके अनुसार भी हमारी एक टेस्ट बैटरी सारे एक्सपर्ट्स हैं कबड्डी के बनाने के सारे मिलकर कोशिश करें ताकि आने वाले टाइम में हमारे कबड्डी के लिए अदर गेम्स की तरह बहुत अच्छा एक टेस्ट बैटरी है वो परमानेंटली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ये सभी से मेरा एक अनुरोध है. मैडम आपका जो फर्स्ट क्वेरी है कि भाई उसमें हम जस्टिफिकेशन के साथ ही बच्चे को विद आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने टैलेंट आइडेंटिफाई के अंदर ट्रायल लिया है किसी खिलाड़ी का और हमारे पास में अगर उस पोजीशन का कोई प्लेयर नहीं मिलता है और जो ऑलरेडी हमारी स्कीम में कोई खिलाड़ी है अगर उसका इम्प्रूवमेंट जो हमारा टारगेट है उस लेवल का नहीं है और न्यू सिलेक्शन में हमारे को उसका रिप्लेसमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो विद जस्टिफिकेशन आप उस प्लेयर को हम रख सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, ये बात आपकी सही है कि जो हमारे फिजिकल टेस्ट हैं वो सभी गेम्स के सेम हैं और सभी खिलाड़ियों की गेम टू गेम जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वेरी करती हैं. तो अभी जब से हमारी स्कीम्स नई स्कीम आ रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो जो साई का जो NSRC जो पोर्टल है उसके ऊपर हम क्वार्टरली बच्चों के जो टेस्ट ले रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं और डाटा बेस बना रहे हैं. 1-2 साल के बाद में हमारे पास जब डाटा बेस तैयार हो जाएगा तो हमारे जो स्पोर्ट्स के जो साइंटिस्ट हैं वो ऑब्वियसली इसके ऊपर काम करेंगे और नियर फ्यूचर के अंदर हमारे को कबड्डी के जो स्पेशल टेस्ट हैं, बैटरी टेस्ट है, वो फिजिकल भी है, गेम स्पेसिफिक भी है, गेम परफॉर्मेंस भी है, वो आई थिंक मिलेंगे हमारे को और इसके ऊपर हमारा डाटा बेस तैयार हो रहा है. इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपनी जो अकेडमीज हैं, हरियाणा के अंदर कितनी अकेडमीज चल रही हैं, सभी स्टेटों के अंदर भी अकेडमियां चल रही हैं, वो अपने खिलाड़ियों के जो हमने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जो टेस्ट बताए हैं, जो प्रोसीजर बताए हैं, आप उसकी हेल्प लेकर के डाटा बेस बना करके हमारे पास शेयर कर सकते हैं या हम उनसे शेयर कर सकते हैं. तो आई थिंक दे विल कम, वी विल प्रिपेयर द स्पेसिफिक मोटरेबिलिटी टेस्ट एंड गेम स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द कबड्डी प्लेयर्स. दिस इज माई सजेशन. Yes, agree, sir. Yes, thank you, madam. Thank you. Asked by many people. Okay. Is there any different battery of test? Is there? Yes, sir. Jagmohan, sir. Yes, sir. Please ask. Please, you first ask, please. Yeah,
along with Jayvi Sharma, he has given him a very good briefing about talent identification and weeding out and retention. I would like to add something to this. Yes. See, when we are conducting tests, we have to go according to age group. Suppose if he's a beginner, tests are different. When they are novice, that means from juniors, sub-junior level to he is coming to senior level, tests should differ. Tests are the same, but the demands are different. From novice, when they are going to advanced players, the test which you are conducting, 6 players, 4 players, 3 players, the object of it should differ from one to other. Beginners, if that fellow is, suppose a player is doing well in his skill, now he is about to come to tactical skill. Up to that level, we have to identify the talent. From beginners to novice end, now there we have to go for tactical capacity and what we call stabilization of tactics. That we have to see, not the skill and other things. Now when he comes to advanced players, that means COE, you have to see the tactical ability. That means using the skill tactically, creating the situation as tactics. Those things have to be taken into consideration along with other motor qualities and other things. I feel this will help going for a talent identification. Along with Jaiveer's test, these things should be kept in mind while selecting the talent. Thank you. Thank you, sir. Surely, sir. This is the same question so many people were asking. Is there any different battery tests for basic players and advanced players? And yes, respected yes. Jagmohan sir answered that question, and you please also give answer of this question. Yes, Sanjeev sir, advanced player ke analyze ke liye hum specific skill test aur game performance test do criteria hai. और जब हमारे पास जो एज ग्रुप ऑफ जो रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं 10 इयर्स के 12 इयर्स के 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनका मोटर एबिलिटी के साथ साथ में उनकी जो बेसिक गेम की जो स्किल्स हैं बेसिक गेम स्किल्स हैं वो एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन हम उसको इंडक्शन के लिए जो मोटर एबिलिटी का जो परफॉर्मेंस है जो टैलेंट है जो पोटेंशियल है उसी को प्रायोरिटी देंगे सर उसके अंदर. हम उसके साथ साथ में हम स्किल टेस्ट में सिर्फ ये एनालाइज करेंगे कि हम इसमें पोटेंशियल है लेकिन आगे जा करके ये कबड्डी का खिलाड़ी भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है. इसको फॉर एग्जांपल अगर वो डिफेंडर है तो डिफेंस को खेलने की उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है. अगर वो रेडर है तो उसकी रेडिंग एबिलिटी बेसिक फुटवर्क है उसकी रीच है स्किल्स एबिलिटी है एग्जीक्यूशन स्किल्स हैं एग्जीक्यूशन मूवमेंट्स हैं वो हम बेसिक लेवल के ऊपर एनालाइज करके हम उसको असेस कर सकते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंस हम बिगिनिंग में मोटरेबिलिटी टेस्ट को ही देंगे ये मेरा आइडिया है. सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ राजू सर मेरा ये सवाल है कि बिगिनर्स में आपने जो टेस्ट लिया है जी सर और वो टेस्ट में अगर दो बच्चे सभी टेस्ट में इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं यस सर तो अगर वो बिगिनर है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा रेडर बनेगा या अच्छा डिफेंडर बनेगा? सर डिपेंड अपॉन हिज मूवमेंट एबिलिटी नंबर वन और नंबर टू राजू सर मैं एक इतना अच्छा मेरा एक पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूं आपसे. कुछ दिनों के अंदर जैसे हमारी कबड्डी की जो प्रोग्रेस हो रही है डे विल कम कॉर्नर कवर होगा कवर कॉर्नर होगा और डिफेंडर रेडर भी होगा उस प्लेयर की वैल्यू ज्यादा रहेगी और ट्रेनिंग भी हमारे को आगे से ऐसा ही करना पड़ेगा. जैसे अभी ऑलराउंडर की इम्पोर्टेंस है टोटल कबड्डी आनी चाहिए अभी टोटल कबड्डी आनी चाहिए सर. मैं उसके बारे में एक वर्ड यूज करता हूँ एक कबड्डी प्लेयर शुड बी मल्टीपल स्किलफुल होना चाहिए. एक स्किल से काम नहीं चलेगा. बलविंदर सिंह थे आपका हमारा जमाना गया सब कबड्डी का. कंक्लूजन ये है एक कबड्डी प्लेयर मस्ट बी मल्टीपल स्किलफुल इज मोर एंड मोर सक्सेसफुल प्लेयर इन फ्यूचर. करेक्ट क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर रेडर है तो उसको सिर्फ रेडिंग पे ध्यान देते थे
अभी भी है सर, अभी भी आप लीग को देखो, अभी भी लीग के अंदर बाकी मतलब उसे डिफेंस के जो स्किल थे। यस सर, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हर एक रेडर को डिफेंसिव स्किल भी उतना ही जरूरी है आना सर। आप मैं हमारा तो नेक्स्ट सेशंस की वेट कर रहे हैं और मल्टीपल स्किल ट्रेनिंग ही स्टार्ट होने वाली है, ये मैंने आपको अब ट्रेनिंग प्लान बता दिया आपको। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जयवीर जी। जयवीर जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी शुड कंक्लूड टुडेज सेशन। जयवीर जी आपने बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से आज अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच जयवीर जी।